कांग्रेस सरकार के केंद्र सरकार के गृहमंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के डोडा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का चुनाव तीन खानदानों कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और यहां के नौजवानों के बीच है। इन पार्टियों ने दशकों से क्षेत्र को परिवारवाद और भ्रष्टाचार में जकड़ रखा है, जिससे आम लोगों और विशेषकर युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। मोदी ने जनता से अपील की है कि वे इस चुनाव को जम्मू कश्मीर के भाग्य का निर्धारक माने। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों और परिवारवाद का शिकार हो गया है। जिन राजनीतिक दलों ने जनता का विश्वास जीता था, उन्होंने केवल अपने परिवारों के लाभ के लिए काम किया। युवाओं को गुमराह करके आतंकवाद और अस्थिरता में धकेल दिया गया, जबकि ये पार्टियां सत्ता का आनंद लेती रही। मोदी ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे परिवारवाद को जड़ से खत्म कर नए नेतृत्व को उभरने का मौका दें। मोदी ने कहा कि डोडा, किश्तवाड़ और रामबन से आए हजारों लोग इस विशाल जनसभा में शामिल हुए हैं, जिससे उनका जोश और समर्थन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उन्होंने जनता से वादा किया कि उनके इस समर्थन में बदले वे दोगुने मेहनत करेंगे और जम्मू कश्मीर को एक सुरक्षित और समृद्ध राज्य में बदलेंगे। कांग्रेस को सबसे बेईमान और धोखेबाज पार्टी करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का शाही खानदान सबसे भ्रष्ट है और उनका मकसद केवल सत्ता में बने रहना है। उन्होंने जनता को कांग्रेस के झूठे वादों से सतर्क रहने की सलाह दी, खासकर चुनाव के दौरान जब वे सरकारी धन दुरुपयोग करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 सालों में जिस तरह का बदलाव आया है वह किसी सपने से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि जो पत्थर कभी पुलिस और सेना पर फेंके जाते थे, आज उन्हीं पत्थरों से नए जम्मू कश्मीर का निर्माण हो रहा है। मोदी ने वादा किया कि भाजपा जम्मू कश्मीर को एक आतंकवाद मुक्त और पर्यटकों के लिए स्वर्ग बनाएगी। आप याद करिए वो समय जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था, सारी दुकानदारी ठप, सारा कामकाज ठप। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के केंद्र सरकार के गृहमंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। साथियों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद मैं दोगुने तीन गुने आपके लिए, देश के लिए मेहनत करके चुकाऊंगा। हम और आप मिलकर के एक सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, ये संविधान की बातें करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पढ़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को,
कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय है? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है।